गजानंद वर्मा कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन पाठ संख्या 2 पद्य भाग 3। तो हम आज क्या है कि सूरदास के द्वारा रचित जो भ्रमर जो गीत है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि देखिएगा किस प्रकार से जो उद्धव गोपिकाओं के पास में आते हैं और उन्होंने योग संदेश का जो संदेश दिया, योग की बातें उनको बताई, वो उनको बुरी लग रही थी, वो उनकी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो उनकी बातों से किनारा करना चाहती है। और क्योंकि इस टॉपिक के माध्यम से बताया गया है कि उद्धव से पूर्व अक्रूर जी, अक्रूर जो कि बलराम और कृष्ण को इस वृंदावन या गोकुल गांव से मथुरा ले गए और जाने से पूर्व उन्होंने वादा किया था मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा, किंतु काफ़ी समय निकलने के बाद भी वे वापस नहीं आए। तो ये बातें उनको परेशान कर रही थी। तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि मथुरा नगरी में जितने सारे लोग हैं सारे काले हैं, मथुरा नगरी भी काली है, ऐसा लग रहा है कि मथुरा पूरी नगरी काली है, वहाँ से जो कोई लोग आते हैं वो सारे काले हैं क्या, अक्रूर जी आए वो काले हैं, इसके बाद में आप आए आप काले हैं, कृष्ण भी काले हैं, किंतु वो क्या है कि दुनिया से निराले हैं। इसके अलावा कहते हैं कि ऐसा लग रहा है आपकी नगरी को ऐसा क्या ग्रहण लग गया है, आपकी नगरी के जितने सारे लोग हैं उनको यमुना नदी में धो दिया गया है, ऐसी स्थिति में उनका रंग का सबका काला हो गया है। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने गोपिकाओं ने उद्धव के सामने पेश किए जिनके उत्तर उद्धव के पास भी नहीं थे। आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने कहा कि देखिए भंवरे देख रहे हैं ये भी काले हैं, इसके अलावा भौरू की तरह, भंवरे किसको बोलते हैं कि पुष्पों का रस चूसने वाले, शहद पीने वाले, ये भंवरे ये भी काले हैं, और भंवरू के अलावा ये जो भंवारे देख रहे हैं भंवरू के समान जो कि मधु का लोभी, वो भी काले हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो कोई भी आता है सारे काले हैं। अक्रूर जी ये क्या है कि जिसको आप कह सकते हैं मथुरा के विद्वान पुरुष थे, साथ में जिनको यहाँ भेजा था वो भी विद्वान व्यक्ति थे। और देखेगा कि इन्होंने क्या है कि योग साधना की थी, योग की बातें ही गोपिकाओं को सिखाने आए थे, किंतु फिर भी क्या है कि गोपिकाएं इनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिएगा पहले इस पाठ में शुरुआत में जो दे रखा था इस पद्य के बारे में बताते हैं, पाठ के अंदर सूरदास वाले टॉपिक में दे रखा है वो हम आपको बताते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खदोत शम जहते कर्त प्रकाश। ये कहना चाह रहे हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, ये कहना चाह रहे हैं कि सूरदास है वो सूर्य के समान है। इसमें क्या है कि इन कवियों की परिभाषा दी गई है इस पाठ के अंदर सूरदास वाले पाठ में कि सूर सूर तुलसी शशि, अर्थात सूरदास तो क्या है कि सूर्य के समान है, तुलसी शशि और तुलसी दास चंद्रमा के समान है, उडगण केशव दास और आकाश के अंदर जितने तारे हैं उनके समान केशव दास हैं, अर्थात केशव दास तारों के समान है, अब के कवि खदोत सम जहते कर प्रकाश, किंतु आजकल के जो कवि हैं वो जुगनू की तरह हैं, यहां वहां प्रकाश करते फिरते हैं। कहने का मतलब आजकल के जो कवि हैं उनको क्या कि पहले के कवियों की तुलना में इस पाठ के माध्यम से कम आंका गया है। तभी तो कहा है कि सूर सूर तुलसी शशि, सूरदास सूर्य के समान है, तुलसीदास चंद्रमा के समान है, उडगण केशव दास ये क्या है कि केशव दास तारू के समान है, अब के कवि अब के बार के जो कवि है इस समय के जो कवि है खदोत सम जहते कर प्रकाश, अर्थात आजकल के जो कवि हैं ये जुगनू के समान है यहां वहां प्रकाश करते हैं। अर्थात आजकल के कवियों को एक जुगनू की परिभाषा इस पाठ के माध्यम से
दी गई है। अब जुगनू होता क्या है, ये क्या है कि वर्षा ऋतु के अंदर पीले पीले रंग का कोई कीट होता है, वो जब उड़ता है तो उसमें शरीर के अंदर इस तरह का कोई घर्षण होता है, उड़ता है तो प्रकाश होता है, फिर नहीं होता, फिर प्रकाश होता है, उनको क्या है कि जुगनू कहा गया है। ये तो पाठ के शुरू में दे रखा है। अब देखिए पद्य जो तीन आपको बताया, सूरदास का तीसरा नंबर पद्य है, उसको देखेंगे। बिलग जननी मानहु उधव प्यारे, वह मथुरा का जर की कोटरी जे आवे ते कारे, तुम कारे सुपलक सुत कारे, कारे मधु भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल लैन मनियारे, मानहु नील माट ते काडे ले जमुना जाए पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुन न्यारे, बिलग जनु मानव उधव प्यारे। कहने का मतलब कहना चाह रही गोपी काहे उद्धव से कह रही है हे उद्धव, क्योंकि उद्धव को अपने मन की बात बताने से पहले वो ये कहना चाह रही कि हे उद्धव हम आपको कुछ बताना चाहते हैं किंतु आप हमारी बातों का बुरा तो नहीं मान जाएंगे, क्योंकि उद्धव मथुरा का विद्वान पुरुष था और वह क्या है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले थे, इसलिए क्या है कि अपने ज्ञान रूपी पोटली को लेकर के उन गोपिकाओं के सामने पेश होते हैं, अपने ज्ञान को बांटना चाहते थे, क्योंकि कृष्ण को तो वो विद्वान नहीं मानते थे, और कृष्ण ने ही उद्धव को वृंदावन गोकुल गांव भेजा था, वो देखना चाहते थे कि मेरे जाने के पश्चात गोपिकाओं की हालत कैसी हो रही होगी। ऐसी स्थिति में जाकर के वो ज्ञान उनको बांटना चालू किया किंतु ज्ञान को लेने से मना कर देती है, उनके ज्ञान की जो बातें उनको ठीक नहीं लगती है, तब कई प्रकार की बातें उनके सामने की, अर्थात उन्होंने मथुरा की जितनी सारी चीजें थी सब बातों की काट की। तो उन्होंने क्या कहा, बिलग जननी मानव उद्धव प्यारे, हे उद्धव अगर आप बुरा न माने, हमारी बातें आपको बुरी न लगे, तो हम आपको एक बात कहें, हे उद्धव हमारी बात आपको बुरी न लगे तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप हमारी बातों का बुरा नहीं माना, क्योंकि ये बातें कहकर के गोपिकाएं एक बार क्या है कि उद्धव को अपने विचारों में रोकने के लिए ऐसा कहा कि हम आपको कुछ बतलाना चाहते हैं कि हमारी दशा कैसी हो रही है और आप जो यहां आए हैं आपकी स्थिति कैसी है, लेकिन हमारे कहने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप क्षमा मांगते हैं कि आप हमारी बातों का बुरा न माने। तो क्या कहा, बिलग जननी मानहु उद्धव प्यारे, हे उद्धव आप बुरा न माने तो हम आपको एक बात बतलाना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। वह मथुरा का जर की कोठरी जे आवे ते कारे, क्या कहा, हे उद्धव ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मथुरा नगरी है वो पूरी की पूरी काजल की कोठरी के समान है, काजल की कोठरी के समान है, वहां से जो कोई भी आता है वो सारे काले ही काले हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी मथुरा नगरी काली है, इसलिए वहां से जो कोई भी आता है वो सारे काले काले हैं, ये मथुरा नगरी की विशेषता ही है। क्या क्या कहा, वह मथुरा का जर की कोठरी जे आवे ते कारे, देखिए मथुरा जहां काजल मिस काजल के समान, कोठरी मिस कमरा, आवे मिस आते हैं, कारे मिस काले, आवे आते हैं, कारे का मतलब काले, वह मथुरा काजर की कोटरी जे आवे ते काले, ऐसा लग रहा है कि मथुरा नगरी से जो कोई भी आता है वे जो कोई भी आते हैं वे सारे काले काले हैं। क्या अर्थात मथुरा नगरी की उन्होंने कटाक्ष की, मथुरा को एक तरह से मथुरा नगरी की बातों को उन्होंने अवॉइड किया। वह मथुरा काजर की कोटरी जे आवे ते काले, ऐसा लग रहा है कि मथुरा नगरी से आज तक जो कोई है वह सारे काले काले हैं। अब उनके अलग अलग के बारे में इस पाठ के माध्यम से बताया जा रहा है। तुम कारे सुपलक सुत कारे, कारे मधु भवारे, क्या कहा, तुम कारे, कारे का तो है काले, सुपलक सुत इसका अक्रूर, ये क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये मथुरा नगरी का विद्वान व्यक्ति था जो कि यहां वृंदावन से गोकुल गांव से कृष्ण और बलराम को ले जाने वाला रथ में बिठा करके ले जाने वाला जो व्यक्ति था इनका नाम अक्रूर जी, ये अक्रूर थे, इन्होंने कहा कि तुम काले सुपुलक सुत काले, कारे मधु भवारे, क्या कहा, तुम कारे, ऐसा लग रहा है कि हे उद्धव तुम भी कहे कि मथुरा नगरी से आए हो, आप भी काले हो, सुपुलक सुत कारे, और ये अक्रूर जी जो बलराम और श्री कृष्ण को यहां से लेकर के गए थे वे भी काले थे, कारे मधु भवारे, और कारे मधु भवारे, मधु किसको बोलते हैं, भंवरा,
अर्थात पुष्पों का रस लेने वाला भंवरा और भंवरे होता है कि भंवरों के समान काले रंग का इस वृक्ष से उस वृक्ष पर विचरण करने वाला उसको कहा भंवरे। तो क्या कहा, कारे मधु भंवरे, और ये जो इधर भंवरे देख रहे हैं ये भी सारे काले हैं, और इन भंवरों के समान जो ये छोटे छोटे कीट जो पुष्पों का रस पीने वाले हैं ये भी सारे काले हैं। तुम कारे सुपलक सुत कारे कारे मधु भंवरे, ऐसा कहा कि उद्धव आप भी काले हैं, और जो वृंदा गोकुल गांव के अंदर जो मथुरा से आए थे अक्रूर जी वो भी काले हैं, और ये भंवरे देख रहे ये भी काले हैं, और भंवरों के समान जो पुष्पों का रस पीने वाले मकरंद पीने वाले विचरण करने वाले एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर विचरण करने वाले हैं ये सब काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल मैन ननिहारे, देखिए तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियार, ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि वहां मथुरा के अंदर कुब्जा या वहां के लोगों के साथ में वो प्रेम बढ़ा रहे हैं, और वो जो श्री कृष्ण है वो मणि के समान चमकने वाले कमल कमल के समान आंखों वाले, और उनका जो रत्न जड़ित जो शरीर है वो कमल के समान आंखों वाले, वो वहीं पर अधिक शोभा पाते हैं, उन काले लोगों के अंदर ही शोभा पाते हैं, उन काले लोगों के अंदर ही वो अच्छे लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां के जितने सारे जो लोग हैं काले हैं, वैसे क्या है कि कृष्ण भी काले हैं, किंतु वे वहां क्या है कि उन काले लोगों में शोभा पाते हैं। देखिए तिनके संग अधिक छवि, छवि किसको बोलते हैं, सुंदरता उपजत प्रकट होना, कमल नयन इधर लिखते हैं कमल नयन, ये उपमालंकार है, अर्थात जिनके नयन जिनकी आंखें कमल के समान हो, और मणि आरे किसको, मणि के समान चमकने वाले, और काजल की कोठरी इसके अंदर श्लेष अलंकार है, काजल की काजल के समान कोठरी अर्थात मथुरा नगरी काजल की कोठरी के समान का है, और कमल नयन जिनकी आंखें कमल के समान है उपमा। देखिए इसमें देखिए तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कृष्ण यहां से जाने के पश्चात वहां कुब्जा से स्नेह कर रहे हैं, या उन लोगों के अंदर ही वो शोभा पाते हैं, और उनकी आंखें कमल के समान है, और उनका जो शरीर है मणि के समान चमकने वाला सुंदर है, किंतु वे वहां मथुरा नगरी में शोभा पाते हैं, अर्थात उन काले लोगों के अंदर ही वो शोभा पाते हैं, उन काले लोगों में अच्छे लगते हैं। ये बातें एक कटाक्ष भरी बातें हैं, किंतु मन के अंदर उनके विचार चल रहे हैं, उनसे वास्तव में बहुत स्नेह करती थी। कई बार ऐसा होता है जिनके प्रति गहरी जो श्रद्धा मन में हो प्रेम हो, तो कई बार बाहरी तौर पे उनकी बुराई भी कर दी जाती है, तो बाहर की तौर पे बुराई करिए, बाकी उनके प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा स्नेह भी था। मानहु नील माटते काडे, मानहु नील माटते काडे ले जमुना जाए पखारे, ऐसा लग रहा है कि जो मथुरा नगरी है वहां जितने सारे जो लोग हैं उनको क्या है कि नील के माट में से निकाल दिया गया है। देखिए नील नील का माट किसको बोलते हैं कि जो रंगरेज होते हैं कपड़े रंगने वाले जो लोग होते हैं वो क्या है कि एक बड़े मुंह का मिट्टी का घड़ा रखते थे जिसके अंदर जो कपड़े आदि डाल देते थे और कपड़े आदि डालने के बाद में उनको रंग दिया जाता था। ये कहना चाह रहे कि मानहु नील माटते काडे ले जमुना जाए पखारे, ऐसा लग रहा है कि मथुरा निवासी मथुरा के जितने सारे लोग हैं उनको क्या है कि नील के घड़े में डाल दिया है, और नील के मटके में डालने के कारण उनका सबका रंग नीला हो गया। याद रखा ने मानो ऐसे नील माट, माट किसको बोलते हैं, माट का अर्थ होता है घड़ा, बड़े मुंह वाला चौड़े मुंह वाला बड़ा मिट्टी का घड़ा। मानो ये मानो ने मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, मानहु नील माटते काडे ले जमुना जाए पखारे, ऐसा लग रहा है कि उन सबको नील के घड़े में से निकाल दिया है, और अंत में जाकर के यमुना नदी के अंदर उनको धो दिया गया है। ऐसी स्थिति के अंदर यमुना नदी भी क्या है कि कैसी हो गई है, यमुना नदी भी क्या है कि नीले रंग की हो गई, काले रंग की हो गई है। ये मान रहे हैं कि मानो नील माटते काडे ले जमुना जाए पखारे, ऐसा लग रहा है कि मथुरा के जितने सारे लोग हैं उनको नील के घड़े में डाल दिया है, और यमुना नदी में जाकर उनको धो दिया गया है। इसके कारण क्या है कि उनका सबका रंग काला हो गया है। पखारना किसको, पखारने का मतलब धोना, यमुना नदी आप यमुना नदी जानते हैं, काडे में से निकालना, माठ बताई दिया नील नदी। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, ये क्या कहा
जब मथुरा के निवासियों को नील के गड्ढे में डाल दिया है और नील के गड्ढे में डाल करके उनको यमुना नदी में धो दिया गया है, इस धोने के कारण ही यमुना नदी भी काली हो गई है। क्या कहा? तागुन श्याम भई कालिंदी। ये कालिंदी यमुना नदी का नाम है, वो जगह कालिंदी जहां क्या है कि एक बार कृष्ण अपनी गोपिकाओं के साथ में, बालसिकाओं के साथ में वो खेल रहे थे, गेंद गिर जाती कालीदे, जिसको कालीदे भी बोलते हैं, कालिंदी बोलते हैं, तो साथ ही उनका आपके द्वारा गेंद फेंकी गई, आप लेकर के आओ। तो वहां जाने के पश्चात कालेनाग की जो बेटी थी उसने कहा कि आप यहां से चले जाइए, मैंने कभी मनुष्य के दर्शन नहीं किए, अन्यथा जग जाएगा और आप पे आक्रमण कर देगा। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं गेंद लेके जाऊंगा। इतनी देर में कालेनाग जग जाता है और उन्होंने हमला किया, किंतु क्या है कि श्री कृष्ण ने उसको वश में कर लिया और अंत में उसे कहा इस जगह को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह है बहुत दूषित हो गए, बहुत ही जहरीली हो गए, अंत में उसको छोड़ करके जाना पड़ा क्योंकि उसको गरुड़ का डर लगता था। यहां क्या कहा? तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। ये कहना चाहते हैं कि उन मथुरा के निवासियों को माट में धोने के बाद में यमुना नदी में धो दिया गया, ऐसी स्थिति के अंदर यमुना नदी भी क्या है कि काली हो गई है, किंतु कालिंदी यमुना नदी का नाम सूर श्याम गुण न्यारे, किंतु श्री कृष्ण ने इन सबसे अलग हैं, अनोखे हैं, उनकी तुलना बाकी जो मथुरा नगरी के निवासियों से हम नहीं कर सकते। इस पाठ के माध्यम से गोपिकाओं ने जो श्री कृष्ण के प्रति अगाध जो प्रेम था उसको प्रकट किया है, और कई बार क्या होता है प्रेम के अंदर जिससे वो प्रेम करते उसके बारे में कुछ कटाक्ष भी किया जाता है, किंतु कृष्ण के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम स्नेह था। थैंक यू। ओके, बस बाकी कल।